मुंबई के कांदिवली में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुंबई जिला अध्यक्ष गौरव शाह के नेतृत्व में भव्य दही हंडी का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शन खासदार गोपाल शेट्टी भी उपस्थित रहे। पेश है मुंबई के कांदिवली से सत्यम सिंह की एक रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगी गौरव साहब ने, आज हर साल की तरह इस साल भी दही हंडी का कार्यक्रम रखा है, तमाम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं आपकी तरफ से? गौरव जी को बहुत बहुत बधाई, हर साल की तरह इस बार भी बहुत खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के ओकेजन आते हैं, सब मिलते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी है। एक बार फिर से इनको बहुत सारी बधाई। खिला रहे हैं गौरव साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हर साल आपको बुलाते हैं? मैं तो देखिए गए साल आया था यहाँ पर और मुझे गए साल बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और ये बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सुबह से नहीं हूँ, मैं आया हूँ 5 बजे से आया हूँ, और अभी मेरा एक्चुअली एक फिल्म का शूट भी चल रहा है नायगांव में। लेकिन गौरव जी ने मुझे कहा कि मेरे शो पे आपको आना है आशीष जी, तो मैंने बोला ठीक है बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं बोला आया हूँ क्योंकि एक्चुअली यहाँ का जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और सबसे पहले मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और गौरव शाह जी के बारे में क्या कहूँ, जिनका नाम ही गौरव है वो अपने आप में खुद एक गौरव है। और तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी, नियाज जी का, आशीष जी का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। बाकी सब यहाँ के रहवासी को दहेंडी की हार्दिक शुभकामना। सर कितने साल से मना रहे हैं? ये 20 साल से मैं रेडी बनाते थे, लास्ट 2 साल से मैं ही करता प्रोग्राम। पापा का मैंने फाउंडेशन बनाया अनिल एम्सा फाउंडेशन, उसके नाम से प्रोग्राम करते, कई प्रोग्राम लोग करते। आज के दिन हम आदिवासी जो दिन था वहाँ पर बच्चे लोगों ने परफॉर्मेंस किया था, उन लोगों को भी आज गिफ्ट वितरण का कार्यक्रम रखा है। ऐसे और भी इसके अलावा कार्यक्रम करते हैं? हाँ, नोटबुक वितरण, कंपास वितरण का कार्यक्रम, मेडिकल कैंप सब होते हैं जो पापा के फाउंडेशन के नाम से होते रहे। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दहेंडी? आज का मैसेज वही है कि ये दहेंडी के त्यौहार में सभी जाति के धर्म के लोग एकजुट होते हैं और त्यौहार का आनंद लेते हैं। इसमें कोई जात पात, कोई धर्म का होता नहीं है, और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग